हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास ट्वेल्थ के सेकंड लेसन को डिस्कस करेंगे जो लॉस्ट स्प्रिंग है। लॉस्ट स्प्रिंग को आज हम लोग जो है हिंदी इसका एक्सप्लेन देखेंगे, जिसको लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग इसके राइटर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे याद है एक कहानी के बारे में जिसे यूडीपी के रहने वाले या उदीपी के रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह छोटा लड़का था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह छोटा लड़का था, वह एक मंदिर के पास से होकर स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट। उस मंदिर में जो पुजारी था उसका पिता था, यानी उस बच्चे का पिता ही उस मंदिर का पुजारी था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह मंदिर में थोड़ी देर रुकता था, briefly यानी थोड़ी देर के लिए जो है रुकता था, वह मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकता था, ठीक है, और जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना किया करता था। And pray for a pair of shoes. और जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना किया करता था। थर्टी ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन। 30 वर्ष बाद मैंने उसके कस्बे और उस मंदिर को देखा, यानी 30 वर्ष बाद जब मैं वहाँ घूमने गया। लेखक के माध्यम से ये बात हो रही है कि 30 वर्ष के बाद जब हुआ जो है लेखिका या लेखक वहाँ पे घूमने गई तो उसने देखा, वह मंदिर देखा और उस जो है उसके घर को देखा। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ, जो कि अब उजाड़ पड़ा था, यानी बिल्कुल उजाड़ पड़ा था, यानी हवा के झोंके से या तूफान के आने से जो है बिल्कुल ही वह उजाड़ सा पड़ गया था, ठीक है। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट जहाँ पे नया पुजारी रहता था, उस मंदिर के पीछे जहाँ पर नया पुजारी रहता था देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पे लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पर अब नया पुजारी रहा करता था, ठीक है, उसके पीछे यानी उस मंदिर के पीछे जहाँ नया पुजारी अपना घर बनाया था, आवास बनाया था, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म। एक छोटा लड़का जो ग्रे यानी भूरे रंग की वेशभूषा पहने था, यानी भूरे रंग का एक यूनिफॉर्म पहना था, कपड़ा पहना था, जूते और जुराब पहने था, यानी वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और जुराब भी पहने थे उसने, यानी मोजे भी पहने थे। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए अराइव्ड पैंटिंग हाँफते हुए पहुंचा और जो है अपने हाँफते हुए वहाँ पर आया और उसने अपना बस्ता एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। लड़के को देखते ही, ठीक, आई रिमेंबर लुकिंग एट द बॉय लड़के को देखते ही आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय मुझे उस दूसरे लड़के की याद आ गई जो
द बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो देवी के सामने प्रार्थना किया करता था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, प्रार्थना किया करता था कि अंत में उसे जूतों की जोड़ी प्राप्त ही हो गई, यानी जो जूते की जोड़ी थी अंत में वह जो है फाइनली उसे मिल ही गई, ऐसा लेखिका को लगा। ठीक है, लेट मी नेवर लूज देम, लेट मी नेवर लूज देम, उसने कहा कि मेरे ये जूते कभी ना खोएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर शूज, पुजारी के लड़के की तरह अब छोटे लड़के जूते पहनते थे। ठीक है, जिस तरह से पुजारी का लड़का जो है जूता पहनता था, उसी तरह छोटे लड़के यानी अन्य छोटे छोटे लड़के जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कूड़ों को उठाने वाले थे। रैग पिकर्स मतलब होता है कूड़ा करकट उठाने वाले। ठीक है, रैग पिकर्स मतलब होता है कूड़ा करकट उठाने वाले। लेखिका कहती है कि अभी बहुत सारे मेरे पड़ोस में ऐसे बच्चे थे जो कि कूड़े करकट को उठाते थे, उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, यानी रिमेन शूजलेस, अभी वो उन लोगों के पास जूते नहीं थे, बिना जूते के ही रहते थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फूट रैग पिकर्स लीड्स टू मी ए सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। नंगे पैर कबाड़ियों से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है, यानी माई एक्वेंटेंस, मेरी जान पहचान विद द बेयर फूट रैग पिकर्स, जो वो नंगे पैर वाले कूड़ा कबाड़ियों को उठाने वाले लोग होते थे, ठीक है, उनको देखते ही मुझे सीमापुरी के बच्चों की याद आ गई। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, वह स्थान दिल्ली के बाहरी इलाके में है। पेरिफेरी मतलब होता है बाहरी, ठीक है, दिल्ली के बाहरी इलाके में है, फिर भी वह लाक्षणिक रूप से वहाँ से मीलों दूर है। लाक्षणिक मतलब यानी वो बस्ती जो है इतनी गरीब है कि दिल्ली जैसे डेवलप्ड शहर के करीब होने की जो है बावजूद भी वहाँ पर अधिकांश लोग गरीबी में रहते हैं। अधिकांश लोग किस में रहते हैं? गरीबी में रहते हैं। ठीक है, वे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, लेखिका कहती है कि वे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, वे 1971 में बांग्लादेश से आए थे, यानी सन 1971 में कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। ठीक है, बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ एमंग देम, उनमें से साहिब का परिवार भी है, यानी उनमें जो है एक साहिब का परिवार भी है। ठीक, सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक उजाड़ क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? उजाड़ क्षेत्र। वाइल्डरनेस मतलब होता है उजाड़ क्षेत्र। ठीक है, इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, यह अभी भी उसी तरह से है, यह भी अभी भी उसी तरह से है, पर अब उजाड़ नहीं है, अब खाली नहीं है, वहाँ पर लोग जो है बसा दिए गए हैं। ठीक, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टार क्वेलिन डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ कच्चे मकान हैं, उन पर टिन या तिरपाल की छत है। ठीक है, टारपोलिन मतलब होता है तिरपाल की छत है, जो सीवर लाइन
वह उचित जल निकासी का अभाव झेल रहा है, ठीक है। यानी वहाँ पर ना तो सीवेज लाइन है, डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज, ठीक है, जो कि सीवेज लाइन और जल निकासी के अभाव को झेल रहा है। वहाँ पर लगभग 10,000 कबाड़ी रहते हैं, यानी 10,000 कबाड़ बीनने वाले उस स्थान पर रहते हैं। कहाँ पे? सीमापुरी के उस इलाके में जो दिल्ली के किनारे होते हुए भी एक जो है अनडेवलप्ड एरिया है, ठीक है, अनडेवलप्ड क्षेत्र है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। वह यहाँ पर 30 वर्षों से अधिक से बिना किसी पहचान के रह रहे हैं, विदाउट परमिट्स, बिना किसी आदेश के। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ पर 30 वर्षों से अधिक बिना किसी पहचान के, बिना किसी परमिट के रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, ठीक है, लेकिन राशन कार्ड मिल चुके हैं जिससे उनके नाम मतदाता सूची में आ गए हैं। यानी उनको जो है राशन कार्ड दे दिया गया है, राशन कार्ड जो है दे दिया गया है जिससे वे लोग वोटर्स की श्रेणी में आ गए हैं, यानी मतदाता की सूची में उनका नाम आ गया है, ठीक। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, ठीक है, हाँ, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिससे वह जो है खाने के लिए अनाज क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिससे वे खाने के लिए जो है अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, किसी पहचान से अधिक जो है भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जीवन जीने के लिए किसी पहचान की नहीं बल्कि भोजन की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, गो टू बेड विदाउट एन एकिंग, विदाउट एन एकिंग स्टमक, ठीक। यदि हम दिन के अंत तक अपने परिवार को बिस्तर पर जाने से पहले अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तभी हम यहाँ इस उजाड़ क्षेत्र में जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती रह सकते हैं। सेज ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारीज फील्ड्स एंड रिवर्स, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक उस औरत ने इस बात को कहा जो कि फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, यानी जो है एक महिलाओं के समूह ने इस बात को कहा, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, तो जब मैंने एक जो है महिला से पूछा या महिला मंडली से पूछा, महिलाओं के समूह से पूछा जो है फटी पुरानी साड़ियां पहनी हुई थी, तो उन्होंने इस बात को उत्तर दिया कि यहाँ पर जीवन जीने के लिए शाम तक अपने परिवार का पेट भरना अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि यहाँ पर अनाज का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, उन्हें जहाँ भी भोजन मिलता है
वे वहीं पर अपना जो है तंबू गाड़ लेते हैं और वहाँ अपना अस्थाई घर बना लेते हैं. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. ठीक है, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, अस्तित्व में वे हमारे सहभागी बन जाते हैं. उन महिलाओं ने कहा कि बच्चे भी उन्हीं में बड़े हो जाते हैं और हमारे सहभागी बन जाते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहने का अर्थ है कबाड़ी का काम करना. दो द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, बरसों से सीमापुरी ने ललित कला का बड़ा आकार प्रदान किया है या प्राप्त कर लिया है. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है. इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, यह उनकी रोजी रोटी है और यही उनके सिर पर छत प्रदान करता है. यह उनकी रोजी रोटी है. इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और यही उनके सिर पर छत प्रदान करता है. इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वह छत भले ही क्यों ना चूती हो. ठीक है, चाहे वह छत चूती ही क्यों ना हो, लेकिन इसी कचड़े के माध्यम से वे अपने घर को बनाते हैं. बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे भी अधिक वह बहुत कुछ है. आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है और 10 रुपये का नोट भी. साहिब सेज, साहिब कहता है कि कभी कभी उसे 10 रुपये और 1 रुपये भी मिल जाते हैं. हिज आइज लाइटिंग अप, जिससे उसकी आंखों में चमक आ जाती है. जिससे वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप इस क्राउंगिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर. जब आपको कचरे के ढेर से चांदी का सिक्का मिल जाता है, व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप मतलब होता है ढेर. जब आपको कचरे के ढेर से चांदी का सिक्का मिल सकता है, यू डोंट स्टॉप इस क्राउंगिंग. इस क्राउंगिंग मतलब होता है खोज करना. ठीक है, यू डोंट स्टॉप क्राउंगिंग, आप जो है खोज करना बंद नहीं कर देते हैं. क्यों? फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर यानी वहाँ से अधिक प्राप्त होने की आशा रहती है. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि गार्बेज जो है यानी कचरा उनके माता पिता के अर्थ से भिन्न है. यानी कचरे का मतलब यानी कचरे का अर्थ उनके माता पिता यानी बच्चों के लिए कचरे का अर्थ जो होता है उनके माता पिता के लिए जो कचरे का अर्थ होता है उससे अलग है. यानी दोनों अलग अलग अर्थ निकालते हैं कचरे को. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल. बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ है. रैप्ड इन वंडर, रैप्ड मतलब होता है लिपटा होना. ठीक है, रैप्ड मतलब लिपटा होना. और फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जबकि बड़ों के लिए यह जो है उनके अस्तित्व का अर्थ है. यानी उनके जो है उनका जो अस्तित्व है सर्वाइवल है, यानी जो उनके जीवन यापन का अर्थ जो है इसी कचड़े से मिला हुआ है.
वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस आई लाइक द गेम। जाड़े की एक सुबह यानी ठंडी के मौसम में एक सुबह मैंने साहिब को बाड़े से घिरे हुए फाटक के समीप खड़े हुए देखा। ठीक है, यानी एक फेंस थी, चार दीवारी थी, उसी के गेट के फाटक के सामने जो है खड़ा हुआ देखा मैंने, जहाँ से वह वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जहाँ से वह दो युवकों को टेनिस खेलते हुए प्लेइंग टेनिस खेलते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था, जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जो कि सफ़ेद वेशभूषा पहने हुए थे। आई लाइक द गेम, मुझे खेल पसंद है। आई लाइक द गेम, मुझे खेल पसंद है। ही हम्स, उसने हिचकिचाते हुए कहा। हम्स मतलब हिचकिचाते हुए कहा। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और दृढ़तापूर्वक बाड़ के पीछे से, यानी जो चार दीवारी थी उसके पीछे से वह खड़ा होकर देखता था। ठीक है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, जब कोई नहीं होता तो मैं भीतर चला जाता। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ पे आसपास कोई नहीं होता तो मैं भीतर चला जाता। वह कहता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और चौकीदार मुझे वहाँ झूला झूलने देता है। यानी जब कोई नहीं होता है तो वह गेट के भीतर चला जाता है और वहाँ का जो चौकीदार है वह झूला उसे झूलने देता है। ठीक है, किसको झूलने देता है? साहिब को। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। ठीक है, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हैं जो उसके गंदे कमीज और निकर पर शॉर्ट्स लिखा है। ठीक है, निकर यानी जो उसका पायजामा टाइप का था उस पर विचित्र लग रहा है। ठीक, यानी साहब ने टेनिस के जूते पहने हैं लेकिन उसका कपड़ा जो है मैला कुचैला है, इसलिए वो उस पर शूट नहीं करता है, अच्छा नहीं लग रहा है। समोन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, जबकि वास्तविकता यह है यानी वास्तव में किसी धनी लड़के ने उनको बेकार समझकर फेंक दिया था। डिस्कार्डेड मतलब निकाल देना, फेंक देना, फेंक दिया है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम। ठीक है, जिसने शायद उनको पहनने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनमें से एक जूते में क्या था, छेद था, क्योंकि उनमें एक जूते में छेद था। डज नॉट बोदर देम, पर साहिब को इसकी कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, क्योंकि जो नंगे पैरों चलता था, इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, जो नंगे पैरों चलता हो, एक छेद वाले जूते ने उसके स्वप्न को साकार कर दिया। इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी उसके लिए जो स्वप्न था जूते पहनने का, ठीक है, उस स्वप्न को भले ही छेद वाला जूता पूरा किया लेकिन एक जूते ने उसके स्वप्न को पूरा किया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच,
लेकिन वह खेल जो इतनी सावधानी से देख रहा था उसकी शक्ति से परे था, यानी उसकी क्षमता नहीं थी कि वह उस खेल तक पहुंच पाता। ठीक, दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब दूध के एक बूथ, यानी जो है जहाँ पर दूध मिलता है वहाँ पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कंटेनर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर था। कैनिस्टर लिखा है, कंटेनर नहीं है, सॉरी, स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन ए स्टील टी स्टॉल डाउन द रोड। वह कहता है, यानी दूर से संकेत करते हुए वह कहता है, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से संकेत करते हुए कहता है कि अब मैं सड़क पर, मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ, दूर पर सड़क पर दूर मैं अब चाय की दुकान पर काम करता हूँ, काम करता हूँ। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि क्या वह इस तरह के कार्य को या इस कार्य को पसंद करता है। आई सी हैज हिज फेस, आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। ठीक है, मैंने उसके चेहरे को देखा जो उसके चेहरे से बेफिक्री थी जब वह घूम घूम कर कचड़ा बीना करता था, वह बेफिक्री गायब हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। और उसने कहा कि मुझे इस काम के, यानी पूरा भोजन मिलता है और 800 रुपए मिलते हैं। मैंने उससे पूछा, यानी आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। उसने कहा कि मुझे पेट भर भोजन और 800 रुपए मिलते हैं। मैंने उससे पूछा, डज ही लाइक द जॉब, कि वह इस कार्य को पसंद करता है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो मैंने देखा कि उसके चेहरे से जो बेफिक्री थी वह गायब हो चुकी थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर द शोल्डर। स्टील का वह कनस्तर उस प्लास्टिक के थैले से अधिक भारी प्रतीत होता था। स्टील का वह कनस्तर प्लास्टिक के थैले से या प्लास्टिक बैग से अधिक भारी प्रतीत होता था जिसे वह पूरा दिन अपने कंधे पर लटकाए घूमता रहता था। द बैग वॉज हिज, थैला उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन कनस्तर उसके मालिक का था, यानी कनस्तर उस दुकानदार का था जिसका दूध का बूथ था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मालिक नहीं रह गया है, साहिब अब अपना मालिक जो है नहीं रह गया है। तो फिर वह बोलता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश स्वयं अपना मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, वह कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। मैंने उससे पूछा कि तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही answers, लुकिंग स्ट्रेट into my eyes, वह ध्यानपूर्वक मेरी आँखों में, यानी सीधे मेरी आँखों में देखता हुआ उत्तर देता है। वह सीधे मेरी आँखों में देखता हुआ उत्तर देता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूँगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक मिरर्स, लाइक ए मिरर्स अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद।
फिरोजाबाद की गलियां जो धूल से भरी हैं, फिरोजाबाद की गलियां जो धूल से भरी हैं, उस उनमें उसका स्वप्न मृग मरीचिका के समान दिखाई देता है। ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज, ठीक है, मृग मरीचिका के समान दिखाई देता है। मिरेज मतलब होता है मृग मरीचिका, ठीक है, उसी के समान दिखाई देता है। एंड ऑप्टिकल एल्यूजन, मृग मरीचिका। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, सॉरी, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वह फिरोजाबाद जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, वह जो है फिरोजाबाद जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग ग्राउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत का जो है एक केंद्र है जहाँ पर सबसे अधिक ग्लास ब्लोइंग उद्योग विकसित हुए है, जहाँ लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फर्नेंसेस यानी भट्टियों पर काम करते हैं, भट्टियों पर काम करते हुए कांच को वेल्ड करते हुए लगे रहते हैं, यानी लगे रहे हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियां बनाने में लगे हैं। तो प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज के लिए बस इतना ही। लेसन थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 2 दिन का समय और लगेगा, यानी 2 दिन और हम लेक्चर लेके आएंगे। आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, यानी आज का जो है एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लंबा हो गया। आप इसे ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।